Roll sound. Sound rolling. Roll camera. Action. लौंडिया के पल्लू में से गऊ की बू आवे, गोबर की नाली में एक छोटा सा सुअर भागे। Hey, look at this. Look, look. Just outside Ahmedabad yesterday, a man dug up a power line and stole a meter of high voltage cable, putting two states and 64 million people out of action for 16 hours. Sara ghar pe connection lagane gaya hoga, khud to puri raat andhere mein baitha hai aur pata nahi kitne logon ko andhere mein bithaya. Hua ke nahi pair pe kulaadi marna. Londia ka kangna hai jo dug dugi bajave. बंदरिया का नाच नाचे और भूखे सो जावे। Here's another one. Three jumbos run over by a train. अरे वो जापान में नहीं हुआ था? छह मछुआरे बोट में समुद्र में गए और उन्होंने वापस आके बोला कि अचानक आसमान से एक गाय गिरी और बोट को तोड़ दिया। Shit happens. अजीब है लेकिन सच। सच तो है। हार गए डार्लिंग, सबकी सटक गई है। लौंडिया की बिंदिया पे से पसीना टपके रे, खुसरे जो कुर्सी पे है बितक के लपके रे। एक नए किस्म का जानवर, उसको मुंह नोचवा बुला रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि रात के अंधेरे में साला लोगों के मुंह को झपटता है। ये क्या नया स्पीशीज है क्या? That's bullshit, man. This stuff's all made up by the press. How can you believe that? कह रहे सब बकवास है। किसी ने ऐसे ही कोई कहानी उड़ाई है। चल ना यार, तेरे को भी पता है क्या क्या होता है। रोज पढ़ते हैं हम लोग अखबार में। कहाँ हो रहा है? फिल्म का शूटिंग है। ये बम्बई है, बम्बई। बम्बई में कहा होश है भैया? भैया किसको बोलता रहे? Famous Hollywood film star Winona Ryder is sentenced for stealing designer clothes worth $5,500. Huh? करोड़ों में कमाती है। शायद अपने किसी दोस्त के साथ शर्त लगाई हो। सुना उसका बॉयफ्रेंड एक कारपेंटर है। Strange combination, eh? अरे यहाँ पर भी तो होता है यार। मेरी बिल्डिंग में साला एक करोड़पति सेठ रहता है, उसने अपनी भाई के साथ शादी किया। अच्छा, मेरा एक दूसरा दोस्त है एडवर्टाइजिंग में, वो बता रहा था कि उसका जो क्रिएटिव डायरेक्टर है उसका चक्कर एक पुलिस वाली के साथ चल रहा है। मतलब डीसीपी टाइप की लड़की है, उसका क्या नाम है वो, अग्नि सेना। लेकिन एडवर्टाइजिंग और पुलिस। कट इट सुशांत, सुपर हिट मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट, ऐसा गाना, कितना पसीना, ये देख कैसा आया। लेकिन वन मोर टेक। सलीम, तू कभी सोचा क्या तेरी माँ किसी और के साथ प्यार की है? तेरा दिमाग है या कीचड़ का नाला? नहीं यार, देख इधर, एक आदमी और उसके लड़के ने अपनी माँ को मारा क्योंकि वो आग लड़ा रही थी पड़ोसी के साथ। मैं सोचा कैसा आदमी है कि अपनी माँ को मारा, फिर सोचा मेरी माँ होती तो क्या होता, टेंशन होता। माँ और प्यार के बारे में सोचने से ही टेंशन, इसीलिए तेरी माँ के बारे में पूछा कि तू कभी ऐसा सोचा है कि नहीं। मेरी आंख ने लड़ाती, तेरी लड़ाती क्या? भड़का है गुरा, हो भी तो सकता है, माँ आखिर माँ है ना। पर देखा जाए तो एक औरत भी तो है, क्या उसका प्यार उठता नहीं है? उसको प्यार कितना अच्छा लगता है,
देख अब मैं तुझे मार दूंगा, माँ को बीच में मत ला, या अपनी माँ को पूछना देख क्या होता है, साला जब देखो माँ बहन पे उतर आता है। ए, तू क्या सुन रहा है, चल जा बाद में आके ले अपना लड्डू, जा। अरे दे देंगे रे, तू 10 मिनट में हाँ जा। वो देख चल। क्या मस्त जमता है साला। ये परवीन भाई रुकना, अब मुझसे क्या मांगता है साला, मस्त दौड़ता भी है। ओए आगे तो सुन सही बात, आगे सुन। फिर एलएसी ने प्रभु के सर पे दी चेयर और चेयर टूटी, फिर गुड़िया आया पीछे से एलएसी को झपक के पकड़ लिया जैसे कोई मैंने चढ़ा था किसी के ऊपर, फिर प्रभु धीरे से मुड़ा। एलएसी लुखेंद्र सिंह ढिल्लो, वो जो गाती थी बंगाली थी नहीं था बंगाले, सो जा पंगमी अग्गे बोलो। और फिर क्या हुआ, फिर एलएसी को बाहर ले जाके लैंप पोस्ट पे उल्टा टांग दिया और फिर बोला आप दिखा तेरा रेप, तो एलएसी शुरू हो गया। तो सोच रहा उसको पंजाबी रेप का मतलब पंजाबी रैप है। मैंने की पता, मैंने लगा पंजाबी रेप करेगा और मैं कूद पड़ा पंजाब बचाने। एलएसडी पंजाबी रेप आर्ट यार, बॉम्बे में भी टांगना है किसी को लैंप पोस्ट से। और तू दस बॉम्बे में की करा, दारू पीना, पंगे लेना, कूटना और छोकरी, ये हॉलीडे है कतार। जैसे कि तू बड़ा साधु बना रहता है घर पे। ओए अगर कोई फिल्म की शूटिंग वूटिंग दिख जाए तो मजा आ जाए। और वैसे हम रह कहां रहे हैं? और विक्की है ना, विक्की अपना दून स्कूल वाला, उसने कोई डील लगाई है अपने होटल में, वहीं रुकेंगे। डांस बार वाली लड़की रात बार के लिए मिल जाए। ओ मैं मर जाए तो मजा आ जाए। ओए ओए ओए, मैंने सुना एक्ट्रेस भी माल देने पर देती है। ओ महिमा के तो लाख तो लाख ऐसी दे दूं। महिमा जी बोल, कुछ लेडीज अलग होती हैं, बदतमीज। हां छोड़ यार, मैं तो जो कर रहा था वो तो डांस पार्टनर की बात की, तो महिमा जी तो महिमा जी है, तो सारी दुनिया जानती है। चल भाई बंद कर टॉमी यार, कब से कान फाड़े जा रहा है दबा के। यार बड़ी देर हो गई, फिएट जगह नहीं दे रही। बी केयरफुल साइरस, दे साउंड लाइक होलिकन चोकरास, गिव देम द वे। नो नॉट टुडे डार्लिंग, दिस बिग कार्स टेकिंग द ओल्डर रोड, हां बट इन दिस कार इज अ मैन, दिस इज मैन टू मैन, लेट्स सी इफ दे कैन टेक साइरस ऑन। इनका सिस्टम सेट करते हैं। ओए बाजपुर से पंगा, वो तो लेफ्ट में दबा के राइट से काट। मम्मी टॉमी मूव, ओए रुकते हैं ना, मारते हैं। कैसा पंगा लिया तू, लड़ता है? मेरा नाम पुनीत सयाल है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ, महीने का 70,000 कमाता हूँ और पिछले 16 घंटे से नॉन स्टॉप दारू पी रहा हूँ। कुछ ही दिनों में मैं इस शहर की 2 मशहूर गैंगों को खत्म कर दूंगा अनजाने में। फिलहाल दुखी हूं और इस बेंच पर रात काटने वाला हूं। नहीं ये मेरी नॉर्मल लाइफ नहीं है। 24 घंटे पहले मेरे पास घर था, गर्लफ्रेंड थी, भाई था और मैंने अपनी कंपनी के लिए 16 करोड़ का अकाउंट जीता था। सेलिब्रेट कर रहा था, सेलिब्रेट। हे भगवान, मेरा 1 करोड़ कब आएगा यार? तेरा बोनस भी निकल रहा है यार, सिर्फ लंदन का ट्रिप निकल जाए ना प्लीज। तू एक छोटे से बोनस से खुश हो रही है? माँ हमारा बॉस एलेक्स करोड़ों में खेल रहा है। इट्स नॉट फेयर, तू देखना मैं भी है ना अपना यहाँ से 1 करोड़ बना के एकदम, और फिर यहाँ से कट लूंगा और फिर जाऊंगा नैनीताल। ये कोई शहर है? ऑफिस है ऑफिस। अरे शहर तो नैनीताल है, तू आना वहां पे, तुझे दिखाऊंगा नैनीताल क्या होता है। कब सुधरेगा यार, तूने कभी भी कोई कॉपीराइटर देखा है?
जो तेरी उम्र में क्रॉ बनाकर रिटायर हो जाए? नो वन। तूने कोई कॉपीराइटर देखा है जिसकी गर्लफ्रेंड पुलिस वाली हो? स्मार्ट बॉय। वैसे ये अग्नि के बॉयफ्रेंड होने का ना तू कुछ ज्यादा ही फायदा उठाता है। बस कोई भी आर्ग्यूमेंट डाल देता है और हर आर्ग्यूमेंट की एंडलाइन वही होती है, कॉपीराइटर और पुलिस वुमन की टीम। उफ। आउच। याद आ दे, बहुत दर्द हो रहा है। गॉड आउच। कम ऑन। यू वांट मी टू फेल योर बेबी। आज घर आएगा? और एंड मौके पे दरोगा की एंट्री। अग्नि का मैसेज, घंटे भर में घर आ रही है। यार ये कमबख्त पुलिस वाले ना सब जगह नजर रखते हैं। अब क्या करूं, दानव जैसी दरोगा पल्ले पड़ गई। वैसे बड़ी डेडली पुलिस वुमन पकड़ी है तूने अपने लिए। शी इज वेरी सेक्सी हां अग्नि। वर्दी उतारने के बाद वो क्या नहीं सकते, ये पुलिस वाली है। अब तक तो सिर्फ मेरे लिए कपड़े उतारी। और तू कब से इमेजिन करने लगी औरतों को बिना कपड़े के? तो शट अप या पुनीत, स्टूपिड। चल निकलती हूँ। एक मिनट। सेक्सी कॉप। पी होम बाय 10, जिम जा रहा हूँ। चल अभी दारू पी के बॉडी बनाता हूँ। ऐसे। Bloody man. Shit. This should be done on a commode, man. Oh. Mumbai. Mumbai में सब कुछ सड़ जाता है। टीवी, फ्रिज, गाड़ी, दिल, जिगर, रिश्ते, समुद्र का पानी है ना। तू भी सड़ जाएगा पुनीत, दारू पी और सो जा, बेस्ट है। दिवाली खत्म हो गई यार, सोने दो। अरे इंडिया जीत गई क्या? मैंने देखा उसको इधर लगा। साला वो साला गया किधर? वो साला ऑटो रिक्शा वाला बीच में नहीं आता ना तो विष्णु उधर ही खलासता। उसको खत्म करने का है वरना ताई मार डालेगी। साला गया किधर वो? हम बोलते हैं ना उसको छाती पे लगा दे। पूरा शर्ट लाल था, उसका घोड़ा भी गाड़ी के पास गिरा। विष्णु ऐसा कभी करेगा? ए बोंटिया वो गया रे साला। साहब तू देखा ना गया किधर वो? ताई ने बोला उसको खत्म करना है या नहीं खत्म करना है। टिपा सुनील उधर देख, मंडल मेरे साथ आ। चल। और सुन, देखे तो सीधा मार। प्लीज बस करो यार। क्या मिला मोरा? तो विष्णु की आवाज लगती है तुझको? अरे डिब्बा ने अंधेरे में किसी को मारा यार। वो साला सुअर निकला, मैं सोचा विष्णु भागा, अंधेरे में थोड़े ने दिखाई दिया। हम लोग भाग के आया, सोचा वो मिला। बंटिया हम जानते हैं ना वो नहीं बचेगा। और बच गया तो गंगू का गुस्सा बड़ा गंदा है। और फिर हमने दारू भी पिया।
नहीं बताते गंगू को। चुप बैठ। हैप्पी बर्थडे मनाएगा साला। ए, 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 बंडिया। साला ऑटो वाला बीच में नहीं आया होता ना। ओ यार, होने भी नहीं देते यहाँ पे लोग। Shit, this guy is bleeding. Gangster लगता है। Don't need this problem, Puneet. चुपचाप से कट ले यहाँ से। उसे पता भी नहीं चलेगा। Yeah. उस लफड़े में नहीं पड़ने का है। बच गए। ये बहुत दारू पिया था, मैंने कहा लेट जा, थका है, लेकिन दांत ब्रश करने चला गया भाई। कौन? अरे ये लड़का जो तुम्हें इधर लेके आया। खून भी दिया, दारू वाला खून। लेकिन उसने तुम्हें बचा लिया विष्णु। हाँ, अच्छा किया तुमने इधर का पता दिया, नहीं तो हीरो तुम्हें जे हॉस्पिटल ले जा रहा था। अरे भाई तुम वीक हो, लेट जाओ। चुप कर यार, पक पक पक, सर फट रहा है मेरा। और अभी ब्रश करने की क्या जरूरत थी विष्णु? मैंने गणपत को खबर भेज दिया, वो नहीं आ सकता, मैं चलता हूँ। क्या क्या होता है लाइफ में, कुछ भी जरूरत पड़े तो। कल अगर मुझे कोई कहता कि मैं पुनीत सयाल एक गैंगस्टर के बाजू में लेटा होऊंगा, मैं तो हंस हंस के बेहोश हो जाता। अभी भी लगता है बेहोश हो जाऊंगा। बहुत शौक था ना दारू पी के बॉडी बनाने का, इडियट। किसी की बजने वाली है। ए पुनीत की बजी देख। हाय पुनीत सयाल। प्रवीण, मैं किसी प्रवीण को नहीं जानता। क्या? और यहां सारे प्रॉब्लम शुरू हुए। लेकिन अग्नि से बोला था कि एक घंटे में घर आऊंगा, लेकिन 2 बजे आया, बियर पी रहा था। बार बंद हो गया, मुझे और बियर पीनी थी, इसीलिए घर आ गया। समझ नहीं आ रहा था कि अपने आप को कैसे संभालूं, अपने आप को दोष दे रहा था मैं। मुझे अकेले बैठ के बहुत कुछ सुलझाना था प्रवीण के बारे में। शायद इसीलिए घंटे में आने वाला था। ड्रिंकिंग करने बैठ गया था क्या? हम्म, और सेलफोन भी ऑफ था। किसी के साथ बाहर गया था क्या क्रिएटिव डायरेक्टर? हम्म, बोलना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलना, क्या हुआ पुनीत? कोई क्लाइंट फाइल निकल गया क्या हाथ से?
तू मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ेगी? क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, बोलना मेरे को। कुछ नहीं कुछ नहीं, तू मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे, कुछ सुलझाना है मुझे। ऐसी क्या चीज है जो तू मुझे नहीं बता सकता? आज मेरा भाई मर गया। माँ बाप मरने के बाद उसी ने मुझे पढ़ाया। बॉम्बे से पैसे भेजता था मेरी पढ़ाई के लिए, मुझे लंदन भी भेजा उसने फॉर माय कम्युनिकेशंस डिग्री। तेरा भाई? जब मैंने एडवर्टाइजिंग में नौकरी ली तो मुझे पता चला कि वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है, और मैंने उसे मिलना ही छोड़ दिया। आई जस्ट टर्न माय बैक ऑन हिम, और आज वो मर गया है, और मैं उसे कभी सॉरी थैंक यू कभी नहीं कह सकता। मैं इस हद तक गिर गया हूं कि जब पुलिस ने मुझे उसके बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मैं उसे जानता ही नहीं। 4 साल से कहने की आदत ही पड़ गई है मुझे, दिमाग में वो बैठ गया है कि ये झंझट में मत फंसो, ये लफड़े में मत फंसो। यार उसके पास मेरा सेल नंबर भी था, क्या बन गया हूं मैं शहर में यार। तेरा भाई है और मुझे पता भी नहीं। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा भाई है? है नहीं था, और क्या करती तू सुन के? मैंने तो उस पर पीठ मोड़ ली 4 साल पहले ही, और अब वो नहीं है। और वैसे भी यार ये सब बातें ना तेरी समझ के बाहर है, तेरे हिसाब से वो क्रिमिनल क्रिमिनल होता है और उसे खत्म कर देना चाहिए। मैंने मेरी पूरी लाइफ खोल के तेरे सामने रख दी, और तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि तेरा भाई है। क्या बताता तुझे कि मेरा भाई क्रिमिनल है? समझ पाती है बात? तेरा प्रॉब्लम ये है कि तूने 8 साल की उम्र में अपने बाप को रिश्वत लेते हुए देखा और फिर गोली खाते हुए देखा। तूने फैसला कर लिया कि हर क्रिमिनल एक बुरा आदमी होता है और उसे मार देना चाहिए। मजबूरी भी कोई चीज होती है अग्नि। पुनीत, पापा को बीच में मत ला। सच्चाई सुनकर तकलीफ हो रही है? ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती अग्नि, तू भी अपने मतलब के लिए गड़बड़ करती है। तेरा बाप एक अच्छा बाप होकर भी रिश्वत लेता था, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। गेट आउट। क्यों, बुरा लगा? प्लीज गेट आउट ऑफ माय हाउस। अग्नि आई एम सॉरी अग्नि, आई डिडंट मीन टू से इट, बट मैं कुछ भी कहता गया। गेट आउट ऑफ माई हाउस। अग्नि की ये आवाज मैंने पहले भी सुनी थी, इस मूड से उसे हिलाना इम्पॉसिबल था, तो मैं तो गेट आउट हो गया। लेकिन कुछ अजीब ही जिद में मैंने 2 बॉटल बियर उठा के ले गया और फिर पीता गया। भाई ट्रेजेडी भी तो डबल हो गई थी ना। से दूर क्या रहूं, ए हुजूर।
16 घंटे कंटिन्यूस दारू पिया मैंने, पहले कभी नहीं किया। अब क्या, ऑफिस फोन करके 10 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, घर ढूंढना पड़ेगा। अग्नि, उसे तो बात करना ही मुश्किल है। और ये तो मेरी तरफ देख रहा है, बात मत कर, डॉक्टर ने बोला था ना। और ये बचाया और थैंक यू वाला नाटक मत शुरू करना प्लीज। तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। ये लो, आप भी यही करते? नहीं करता, इसका धंधा करता हूँ, लोगों की जान लेता हूँ। क्यों किया? क्योंकि मदर टेरेसा बनने का शौक था मुझे। पता नहीं, क्या नया क्या शहर में? नहीं, वो 4 साल से हूँ यहाँ पे। तो ये बैग वैग, टूथब्रश? नहीं, वो घर छूट गया, वो मिल जाएगा। क्या काम करता है? कॉपीराइटर हूँ। हैं? वो एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ। जगह है अपने पास? नहीं नहीं, मिल जाएगी। बंबई में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता बिना मतलब के, सब अपना अपना काम निकालते हैं। अच्छा है ये, क्योंकि एहसान भारी पड़ता है, लेने वाले के लिए नहीं देने वाले को भी बोझा होता है दोनों पर। देने वाले को लगता है कि अब लेने वाला उसके उधार खाते में फंस गया है, मतलब दोनों ही फंसे। अपना एक फ्लैट है, खाली है, कोई रहता नहीं उधर। तू देख ले, अच्छा लगे तो रह ले उधर, तुम्हारे काम आएगा, मेरा भी थोड़ा बोझा उतरेगा। कुछ तो क्या उसके लिए जिसने अपुन की जान बचाई? हाँ, हाँ बाबू, ठीक हूँ। अब क्या करेगा पुनीत सयाल? बंटिया था, कैसे ना बोलेगा इसे? टेंशन मत लेना भाव, ठंडे दिमाग से काम ले, उड़ाएंगे उसे भी। एनीवे, जान बचाई मेरे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अपने टाइप का नहीं, कुछ दिन रह के देख ले। और मैं कल तो तू बेंच पे सोने चला था। मैं भाव मिलता हूँ तुझे, मिलता हूँ ना। और ठीक ही तो कह रहा है, बोझ भी हल्का होगा। आदमी इंटरेस्टिंग है। सेम टू सेम है मोबाइल। सोचा? कान बी वर्स देन अ बेंच। थैंक यू, कोशिश करूंगा कि जल्दी ही फ्लैट मिल जाए और आप पर कोई बोझ ना आए। देखिए, जो हुआ सो हुआ, मैं तो भाग ही रहा था और आपने भी कहा कि भाग ले, तो थैंक यू। मेरा नाम विष्णु है। पुनीत। बिहार में एक बड़ा मशहूर डाकू था, नाम था उंगली मार। बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा, प्रोफेसर था पहले वो, जापान के बारे में बहुत जानता था। जापानी गैंग में अगर किसी से गलती होती तो उसका नतीजा मालूम, उसको अपनी उंगली काट कर देनी पड़ती थी कि सरदार मुझे अफसोस है कि मैं आपका काम नहीं कर सका। कितनी बार सुनानी पड़ेगी ये कहानी तुम्हें? हाँ,
मैंने विष्णु का आता पता लगाया, बताया तुमको कैसे मारना है उसको, और तुम साले सब के सब दारू के नशे में छोड़ दिया उसको। अरे मारा कोई नहीं, आज एक हफ्ते बाद मेरे को पता चलता है कि विष्णु जिंदा है। अरे विष्णु तो है मेरे उस चमार गणपत के बीच, और तुम सब छोड़ दिया उसको। मुनिया पानी पिला, मेरे ज्योतिषी ने बोला मुझे गंगू इस महीने तेरे को गणपत मिलेगा, लेकिन विष्णु जिंदा है। मेरे को गणपत चाहिए, गणपत। दारू कौन खरीदा बंटिया? मेरे को उसकी उंगली चाहिए अभी। तू मंडला, तेरी उंगली चाहिए मेरे को। बंटिया, मंडल की उंगली चाहिए मेरे को। ये ले। छोड़ न ताई, इसका जन्मदिन था, गलती हुआ मैं भी समझा। जन्मदिन था इसीलिए तो मारा नहीं। उंगली दे इसकी, उंगली दे, नहीं तो तेरा सर भी ले लूंगी मैं। और सुन, अच्छी तरह कपड़े में पैक करके देना, जैसे जापानी देते हैं। अरे चाल चल रही है वाली तू। दस दिन के अंदर मुझे विष्णु चाहिए मुर्दा। अरे कौन सी उंगली काट दी, अब घोड़ा कैसे चलाएगा ये? विष्णु के साथ मैं 7 दिन हॉस्पिटल में रहा। विष्णु बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, गैंगस्टरों जैसी बातें नहीं करता। सरप्राइजिंगली वी डू थिंक अलाइक। और फिर वो मुझे अपने घर ले गया। गंगू का कुछ पुराना ही चक्कर है, गंगू गणपत को मारना चाहती है और गणपत गंगू के नाम से ही हंसता है। एक मैं ही हूं जो उसका असली काम करता है, बाकी सब लोग तो धंधा संभालते हैं। देखा जाए तो तुम्हारी भी एक इंडस्ट्री है, और हम लोग जो सोचते हैं ना कि गैंगस्टर्स चौल में रहते हैं, दारू पीते हैं, लोगों को डराते हैं, पैसे लेते हैं, अमीन ना कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार कि मेरे पास ऐसा फ्लैट होगा। हाँ, ये एक इंटरनेट वाले ने पेमेंट के नाम पे दिया है। अपना नहीं चलता यहाँ पे यार, अपना वही अड्डा सही है, एकदम खुला खुला। तू रहा यहाँ पे जब तू चाहता है। इसका रेंट कितना होगा? क्या रेंट, खाली पड़ा है, यूज कर ले। और देख, तेरे काम में मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, तेरा काम अलग मेरा काम अलग, इतना तो समझता हूं मैं। तुम इतने समझदार हो और फिर भी इस लाइन में क्यों? छोड़ना यार, इधर क्या कम दिमाग लगता है। मैं तेरे को बाकियों से मिलवाता हूँ, गणपत से मिलाता हूँ, चल। एक मिनट, अग्नि ब्लैंक। चलो आराम से, दर्द हो रहा होगा ना? फ्रेश है ना? सूख जाएगा। तेरे को लगे कहीं? मेरे को सूख जाएगा, तू फिक्र मत कर, सूख जाएगा। सॉरी। कोई बात नहीं, अपने घर समझना। और फिर मैं पुनीत सयाल कॉपीराइटर मुंबई का डॉन गणपत गोदी से मिलने गया पर्सनली। अगर मेरा बॉस एलेक्स ये देखता ना तो उसका क्या हाल होता। एलेक्स, अपनी सैलरी डबल करने का क्या, नहीं तो अपन गणपत गोदी को फोन करेगा। कैसा है विष्णु भाई? नमस्ते भाई। ये बस बोला ना तलवार, ये देख तेरा नाटक बहुत हो गया अभी। देख, तूने पैसा लेते हो ये बोला था ना कि 10 का 10 खोखा एक साथ लौटाऊंगा, तो फिर
मुझे वैसा ही पैसा चाहिए, 10 का 10 करोड़ एक साथ, वो भी 15 दिन के अंदर। ए देख तलवार, टाइम हो गया तेरा, अब फोन नहीं करूंगा मैं, समझा? हाँ विष्णु, किधर लगा रहे? ये तो बहुत ही पास है, और किधर लगा? क्या बात है विष्णु, आजकल तो बहुत ढीला पड़ने लगा है क्या? ढीला नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, एक कल का टपोरी छोकरा लोग तेरे पे गोली चला था, किसी ने खबर दे दिया था? ये आई लते गंगूच है, औकात बोल रही वो, और जाते हैं ना। एक एक बात तेरे को बोलूं, हर भाई के साथ ऐसा ही होता है, जरा उंगली पकड़ने दो ना तो हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं जानती पकड़ना उसका काम नहीं होता। कोई बात नहीं, तू ठीक हो जा, बाद में देखते उसको। ये पुनीत है, ये बचाएगा तेरे को? हाँ, इसके बिना तो मैं गया था, बोला भी इसको भी कट ले, फिर भी बचाया इसने मेरे को, पता नहीं क्यों। अरे पंडित, 30,000 दे दे इसको। हाँ भाव। ये काम करने वाला है क्या तेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। भाव। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कम पड़ रहा है क्या? 60,000 दे दे चल। आप गलत समझ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। भाव 60 ले, गणपत दे रहा है, ले 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 पुनीत, नहीं तो तेरी ले लेगा। देखिए गणपत साहब, मैं कह रहा हूं ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पुनीत सयाल, ये हीरोगिरी करने का टाइम नहीं है, पैसे ले और खत्म कर कहानी। नहीं भाव, ये अपना सिस्टम समझता नहीं है, मैं समझा दूंगा इसे। भाव, इसे मैं समझा दूंगा ना। अच्छा पैसे मैं ले लेता हूँ। पुनीत तू एक काम कर, तू बाहर रुक, मैं आता हूँ। क्या बात है, एकदम दोस्ती से बना ली उससे? 2 दिन डॉक्टर के कमरे में रो तो हो ही जाता है, और वो तो हफ्ते भर था, अपने जैसा ही आदमी है भाव। तेरी जान बचाई, मेरी जान बचाई, लेकिन समझा दे उसको, मुझे ना कहने से कोई फायदा नहीं, समझे? भाव उसे मैं समझा दूंगा। और तू फालतू को टेंशन मत ले भाव। हेलो, हाँ एक मिनट, भाव गुप्ता प्रोड्यूसर का फोन है। ए प्रोड्यूसर, कहाँ है तेरी हीरोइन? अमेरिका से कब आने वाली, वो काम करना है कि नहीं उसको, समझा दे उसको जरा। आऊंगी यार, लेकिन तेरे वहां सब थके हुए होते हैं। ओके, हाय बेबी। हाय, या गॉट इट। ओके, टुमारो पक्का, सी यू देन, बाय। Ooh, very nice. इसको कहाँ छुपा रखा था इतने दिन पुनीत? Introduce करा। I'd love to take him home. आज रात को क्या कर रहे हो? सुमी। Hey सुमी, chill हाँ। ये मेरा दोस्त है विष्णु। तू उसको डरा मत। और ये क्या है यार? आत्मा साफ साबुन? क्या लिखूँगा इसपे मैं? क्या होगा इस कंपनी का? कंपनी बदल नहीं गई है। चल कुछ अच्छा लिख क्या? मैं मीटिंग में जा रही हूँ। विष्णु, It's been a pleasure meeting you. Mera cell number Puneet se le lena. Bye, gorgeous. Agni call for you. Yeah. Atma saaf saabun. Kya likhu? Andar ka bhoot bhaga. Shaadi ki baat karun? Hain? Shaadi ki. Meri partner hai. Badmaash hai ek number ki. Lekin seedhi seedhi baat karti hai. Teri badi na. अच्छा खासा। इतना बड़ा शूटर हो गया, एक लड़की से डरता है? हाँ चलिए शूटर साहब, गई। अग्नि फिर ब्लैंक। अच्छा सुन, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी है, तेरे बॉस की है क्या? नहीं, ग्रेगरी पैक। ग्रेगरी बांद्रा गए क्या? नहीं, उसके थोड़ा आगे है, एले। एले ईस्ट में, नाले के पास। हाँ अच्छा सुन, तू मुझे गन चलाना सिखाएगा? कुत्ते कमीने एलेक्स! ए हीरो, इतना आवाज करेगा तो विलेन भी भाग जाएगा, या तुझे गोली से उड़ा देगा। ये एलेक्स कौन है? मेरा बॉस। और ये गन बहुत भारी है यार। ओह
देख, अगर किसी को मारेगा ना तो याद रख, चुपचाप चल। तेरे को समझाता हूँ कुछ, चुपचाप बिना किसी आवाज के सामने जाएगा, उसकी आंखों में देखेगा, स्माइल करेगा और ठपाक और ऐसे वहां से निकल जाने का जैसे सब्जी खरीद के चला हो। जितना आवाज करेगा उतनी वार्निंग मिलेगी। हाँ ठीक, ये गुस्सा आना, आवाज करना, इससे धंधा थोड़ी चलता है ना। लेकिन चाकू से मारेगा तो आधा घंटा पहले गुस्सा तैयार करना पड़ता है, साला बहुत दम लगता है अंदर डालने का, घुसाड़ने का, इसलिए अपना मशीन ही ठीक है। वाह क्या साइंस है यार। अच्छा तो ज्वाइन करेगा हमारे साथ? माफ करना भैया, मेरा एडवर्टाइजिंग ही ठीक है। नहीं तो बना लेगा करोड़ अपने एडवर्टाइजिंग में से। 50 से पहले तू पहुंच जाएगा नैनीताल, है ना। दो बिल्डर का गेम बजाने भेज देते हैं इसको, 1 करोड़ कमा लेगा ये। हंसो हंसो हंसो, नैनीताल से फोन करूंगा, सारी हंसी बंद हो जाएगी। नैनीताल से तो जाएगा ही और 1 करोड़ भी बना लेगा, लेकिन दोनों करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ज्वाइन करेगा हमारे साथ? छोड़ो छोड़ो, देखो मैं पैसे बनाऊ या ना बनाऊ यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम लोग ये लाइन नहीं छोड़ सकते। अरे ये तो सोचा नहीं था। सलीम, कुमार, पकिया, ये सब भी बिल्कुल विष्णु जैसे ही थे। अगर मेरे कोई बैंकर दोस्त होते तो शायद ऐसे ही होते, कोई दंगा नहीं, कोई धमकी नहीं, काम के वक्त काम और बाकी टाइम मस्ती। अरे सुनना यार, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। मिथुन दिखता जो उसका डाकूसदार जो है ना, लड़की को बहुत जोर से घूर रहा है। अब सरदार उसका बॉस है, है? तो अब मिथुन देखता है कि लड़की उसको देख रही है। मिथुन सोचता है क्या करूं क्या करूं, फट डिसीजन लेता है, चक्कू निकालता है, हाथ काटता है और लड़की की मांग भर देता है, काट। अच्छा बहुत अच्छा। तो क्या असर आएगा? नहीं 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 कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? मिथुन उसकी लेता है। अबे अभी कहाँ लेता है, अभी नहीं है। अरे पहले सरदार उसको घूरता ना यार, उसे बात तो मिथुन बोलता है। मिथुन बोलता है, ए सरदार, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती क्या, ये मेरी बीबी इसकी मैं लूंगा। विष्णु विष्णु तू भी ना हिंदी पिक्चर को इतनी सीरियस हो जाता है ना, बिलीव करने लगता है। छोड़ना यार छोड़ना यार, ठीक है क्या पता क्या क्या हो सकता है। हाँ कॉपीराइटर और यहाँ बैठ बैठ के मस्ती कर सकता है। अच्छा बता बता फिर क्या होता है, फिर क्या? नहीं तू हंस ले पहले। नहीं नहीं नहीं, हंस ले तू हंस ले। जब किसी लड़की से चक्कर होगा ना तेरा, तब तेरा समझ में आएगा। क्यों क्यों क्यों, तेरा कोई चक्कर है किसी के साथ? विष्णु का? हाँ यार देख, अपना कोई चक्कर वक्कर नहीं है, सीधा साधा सिस्टम है, काम निपटाओ, पैसे फेंको, निकल लो। इसीलिए विष्णु एक ही कोठे में जाता है। चलो ए सलीम, ज्यादा शाना मत बन, समझे क्या? हाँ डांस बार के तो तुम लोग किंग हो, ये मेरे टाइप की जगह है, ये भी देख लो। अरे किसी चप्पल अप्पल तो नहीं पहना है ना? मैं तो जूता पहना हूँ। वेरी गुड, चल चल चल। सलाम साहब, सलाम सलाम। ए सलीम वो नोट का बंडल निकाल। अभी पागल है, ये सब यहाँ नहीं चलता समझा, पैसे रख अंदर। ए, ये वही शिवानी ना जिसका एल्बम एल्बम निकला था? हाँ देख लेना अंदर। हेलो बंटिया, मैं अनु बोल रहा हूँ। वो क्या कि अभी विष्णु दिखाई दिया बांद्रा में। सजना भी जा, सजना ही जा। तेरे बिना दिल मेरा है,
हम यही हैं। I love your song। अच्छा गाती है कि नहीं? बस गा ही रही हूँ, क्या करें? तुझे मेरे दोस्तों से मिला। ये विष्णु। हाय विष्णु। बदमाश है। वे छोड़। बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। सलीम। हेलो। हाय सलीम। और पंकज। वाह। शिवानी। इसका नाम पकिया है, पकिया। पंकज। हम लोग उसको प्यार से पक्तू पकिया लिखना। पंकज। तू सबको पकाता है क्या पंकज? Shivani. I should gotta go now. Nice meeting you all. Okay. I'll call you, huh? Bye. Must. Pankaj. Pankaj. Panku. क्या परफ्यूम लगा रखा था ना? अरे पंकज, ज्यादा पकाने का नहीं क्या? शिबानी का लवर? बहुत हो गया बे, मजाक नहीं। पंकु पंकु। पंकज आइए बैठिए। अबे तेरे छोटे से बंदूक से डर जाएगी क्या? अबे सिग्नल पे रोकना यार। ए पकिया को शिवानी से प्यार हो गया। ए पकिया, क्या झपटी है तेरे ऊपर वो? अच्छा वो आज तू नहा के गया था, दिखा दिखा। क्या करना है यार? सॉरी यार। बच के सलीम पीछे कर। ये विष्णु इसका क्या करेगा? इसका ये विष्णु का सिस्टम बड़ा सिंपल था। लोगों को मारना एक जॉब, एक ड्यूटी। पहले तो मैं हैरान था कि इतना समझदार आदमी ऐसे कैसे सोच सकता है। तुम सब पागल हो यार। देख यार, कोई फर्क नहीं तेरे और मेरे काम में। फर्क सिर्फ इतना है कि तू रास्ते के बीच चलता है जहां पे लाइट है, और हम रास्ते के साइड पे जहां पे अंधेरा है। सिर्फ अपने कोने में थोड़ा सा फाइनल होता है यार, एकदम खत्म। तू ये लाइन नहीं छोड़ेगा ना? इतना समझदार है लेकिन फिर भी। अब इस लाइन में आ गया तो आ गया यार, फिनिश। अब मैं सोचता हूं कि ठीक है यार, गलत तो सबको सोचना पड़ेगा। नहीं देख, गणपत अपना भाऊ है, वो दिमाग लगाएगा मैं मारूंगा। वो दिमाग में हाथ बंदूक, वो बोलेगा मारना मैं मार दूंगा। कोई मत्था फोड़ी नहीं है, टेंशन नहीं है। बोलेगा चाय बनाने तो बनाएगा, चाय पिएगा। ये लो, अपना ही उल्लू काटे जा रहा है जितना कि तो अपना काट रहा है। ठीक ही तो बोल रहा है, वहां एलेक्स बोलता है और मैं लिखता हूँ। कौन चाहता है तुझे इतना बार बार चौं चौं कर रहा है ये है? तुझे बताऊंगा तो तू डर जाएगा। बहुत खतरनाक चीज है, और स्पेशली तेरे लिए। जैसे वो सूमी तेरी फटती है ना मुझसे। सुमी, हाय अग्नि। नहीं, प्लीज आउट। एनी मैसेज? नो सुमन, इट्स ओके, डोंट लीव अ मैसेज। आई विल गेट इन टच विद हिम। ओके ओके, बाय। हम
डोले पसंद आए। तू आ जल्दी आ गया भाई, काम हो गया तेरा? नहीं यार नहीं हुआ। तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है, कहाँ जा रहा है बंटन के? फिर कहाँ जा रहा है? तू चलेगा मेरे साथ? नहीं यार मैं। अरे चल ना, तेरे को मैं किससे मिलवाता हूँ? गंगू ताई। तेरा चक्कर है उसके साथ बदमाश। उससे भी खतरनाक। ये है तेरी फेमस शालू। कैसा है विष्णु? ये आता क्या चिकने? क्या कर रही है? बच के अजीब लोग है। तो ये है तेरा पुनीत। थैंक यू। क्यों, ठीक लगा? यहाँ लोग उल्टा बोलते हैं विष्णु। इसको पूछ, मैं इसको अच्छी लगी कि नहीं? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? खींच रही है तुझे। और कैसी है, हाँ? कब निकल रही है यहाँ से? क्यों, तू छोड़ रहा है क्या गणपत का टट्टू बनना? इसे क्या छुपा रहा है, दोस्त है ना तेरा? हाँ विष्णु, मैं निकलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप समझाइए इसे कि गणपत इसको यूज कर रहा है। आप ठीक कहती हैं। हाँ, मालूम है, मालूम है। ये साला विष्णु वही करेगा जो इसको करने का। गणपत का घोड़ा साला। हिटलर है यार ये। हाँ चल। बहुत बोल रही है आजकल। ओ सॉरी, फोन भूल गया मैं। तेरे फोन की चुप कराना पड़ेगा तुझे। रुकना नहीं। तुम बस तुम नजर आते हो बस तुम्ही तुम। एक अग्नि का मैसेज ब्लैंक, मतलब मुझे ही सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी अग्नि। जैन बिल्डर का क्या करना है? ऐसा करके उसके घर दो आदमी लगा दे, तीन लगा दे, एक बाहर दो अंदर। तीन काम नहीं है, गणपत मारेगा नहीं? अरे गणपत अब वो पहले वाला गणपत नहीं रहा, मोटा और ठंडा हो गया है। उसको धमकी देगा और जब काम नहीं करेगा ना वो, तब कुछ करेगा। तीन बहुत है रे तीन। मुनिया ठीक से पैर दबा। साला बिजली का बिल नहीं भरा क्या? ये साला जैन गंगू को पैसा दे रहा है क्या? इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ गुप्ता एक मिनट। नहीं ये जैन को टपका डालते ताकि कम से कम पब्लिक को इस बात का तो पता चल जाएगा कि गंगू किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। बाबू प्रोड्यूसर गुप्ता का फोन है। विष्णु को फोन लगा के बोल दे के जैन का फैमिली टपकना मांगता है और उसका पब्लिसिटी भी होना मांगता है, समझे? ठीक है बाबू।
हाँ गणपत बोलते वो तेरी हीरोइन का क्या हुआ? तो ठीक है ना, अगले हफ्ते आ रहे तो अगले हफ्ते मिला है। हाँ जल्दी कर दे विष्णु। क्या पहले ही 1.5 करोड़ लिया तूने? हाँ शाम को बात करते, और 40 लाख मांग रहा है साल। भाव वो आज जयपुर वाले आ रहे हैं, रात को मिलने का रखा है। कहाँ रखें? पहले मीटिंग है ना, चमकाते उनको, नाइट लेवल चलते। ठीक है मैं बात करूंगा जॉन से। जॉन से नहीं शिट्टी से बात करो, उसको बोल गणपत आ रहा है। उसको ये बात भी बोल वो टेप वेप नहीं चलेगा, गाने के लिए छावी चाहिए। पंडित तूने विष्णु को फोन लगाया? हाँ भाऊ किया, और ये भी बोल दिया कि काम जल्दी होना चाहिए। हाँ शेट्टी को फोन दे, वो ना पब्लिक ये सोचेगी कि गणपत ठंडा पड़ गया। फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्डअप भी कोई बड़ा नहीं है। और हाँ वो जरा कपड़े बड़े अच्छे पहन लेना, सेंडमेंट मार लेना, एक करोड़ों की पार्टी है। 10 बजे वो कमरा बुक कर देना। ये है रेशमी सुल्फों के अंगारे। ओ मुंबई इज अ ग्रेट हॉलिडे। ओ मुंबई नहीं मुंबई। ओ ये कोई लड़कियां हैं? लड़कियां तो टोरंटो की होती है जो इतना इतना पहनती हैं। ओए यार ये क्या रो रही है यार? ओ चल गुरी आप गाने। हां ओए हां गुरी जा तू गा। ना 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 ओले पीला एक घुट में फिर गा। पिज़्ज़ा 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 आप पिज़्ज़ा 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 ओ कतार तू कीबोर्ड संभाल। जा कतार जल्दी जा। फट दी है। ओ जाना गुर्री। जा। ओ जा गुर्री जा। गुर्री तो अच्छा। के अंगारे न भड़काई। फट दी। उठ उठ। हार डालेंगे। मेरे केसों की जले जाए। ओ सानू क्यों ताड़ रहे हो? ओए कौन ताड़ रहा सी? कौन है? कौन ताड़ रहा है? कौन है? कौन है? कौन? ओए कौन है? भाई फर्स्ट क्लास गा रहे ना? माय नेम इज गुरजी सन ऑफ कर्नल मंदी। Do you like my beat? Yeah, 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 yeah. Welcome to my sangeet. Oh, yeah, slow gana nahi, Gurri, please. Gurri! My name is Gurdeep, son of Colonel Mandeep. My beat. Welcome to my sangeet. My business very risky. I drink scotch whiskey. My AK-47 will send you all to heaven. Say what's that? Ba 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 Punjabi rap. Punjabi rap. Let's rock. Punjabi rap. It's cool. Punjabi rap. ये मेरा गाना किसने रोका? You know my girlfriend lovely Nina. Hey, hey, hey. Wearing t-shirt and jean. Hey, hey, hey. Oh, baby sweet to 16. Hey, hey, hey. But in the beauty queen. Beauty queen, beauty queen. Beauty, beauty, beauty queen. My business very risky. I drink scotch whiskey. कुछ सरदार है जो बोलो उसको।
इस शहर में गणपत का गाना कोई नहीं रोक सकता। जो बोल उसको। जाता हूँ। आप लोग भी हो ना, आप क्यों नाराज हो रहे हो? दारू मेरी खत्म हो रही है। माय बेस्ट फ्रेंड करतार, ही ड्राइव्स एन ओपन कार, प्लेज द रॉक गिटार, मैगा प्ले द रैप यार, माय बिजनेस वेरी रिस्की, आई ड्रिंक स्कॉच व्हिस्की, माय AK-47 विल सेंड यू ऑल टू हेवन, से व्हाट्स दैट? मेरी गैंग के साथ दोस्ती जम गई। कभी कभी तो मैं अपने ऑफिस का काम उनके अड्डे पे जाके किया करता था। कई बार ख्याल आया कि विष्णु से प्रवीण के बारे में पूछूं, लेकिन नहीं पूछा। वो मेरा प्राइवेट मामला था और विष्णु और उसके लोगों ने भी कभी मुझे अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश नहीं की। हाँ, खिंचाई करते थे, लेकिन सीरियसली कभी नहीं। उनका काम उनका काम, मेरा काम मेरा काम, नो इंटरफेरेंस। कुमार, तो मेरे सर पे खड़े रहेगा तो मुझसे काम नहीं होगा। काम क्या हीरो? तू एक ही लाइन को 6-6 पेज पे लिखे जा रहा है। दिल मांगे और मांगे ये दिल और दिल मोर दिल पेप्सी, ये बेस लाइन है गधे। लेकिन तू एक ही लाइन को 6-6 पेज पे लिखे जा रहा है और पिछले 3 दिनों से तू यही कर रहा है। कल भी तू यही कर रहा था और तेरे खाने पीने का बिल भी कंपनी देगी। इसी को ना इंग्लिश में है ना बिजनेस कहते हैं। तेरा काम सही है बॉस। कंपनी को चूना लगा रहा है तू। सॉलिड। ओए कुमार, आ गया विष्णु। अपने काम में ध्यान देगा कि पुनीत के काम में घुसता रहेगा। आ गया। अच्छा देख, ये हो गया तैयार। जैन के घर में सामने से एक एंट्री है। गंगू ने अपने 3 आदमी रखे वहां पे। 2 अंदर है, 1 बाहर। सुनीता वैन में आगे बैठेगी, पके और मैं बीच में। और कुमार, जैसे ही गाड़ी रुकेगी तू पीछे से निकलेगा और कल के काम के लिए हमें मिल रहे हैं सालन सर। हाँ, सुबह तक आ भी जाएंगे, ठीक है? क्या बात, क्या बात है। अच्छा, जैन की बीवी और बच्चों को ड्राइंग रूम में लेके आके मारना है, सबको एक साथ बैठा के। ऐसा करना चाहिए कि किसी ने जान। विष्णु, तू उसके बीवी बच्चों को क्यों मार रहा है? क्योंकि गणपत बोला। हाँ, ऐसा लगना चाहिए सबको। हमारे धंधे में तू तो कह रहा था कि औरतों पे और बच्चों पे हाथ नहीं उठाते। क्योंकि गणपत ने बोला, तू अपना काम करना। नहीं, ऑल सेड एंड डन, तू जैन को मार रहा है मैं समझता हूँ, तेरा धंधा है वो, लेकिन उसके बीवी बच्चों को क्यों यार? क्योंकि गणपत ने बोला, समझा? मैं नहीं बोला, गणपत ने बोला तो ऐसा होएगा। अगर तुझे खराब लगता है तो तू मत सुनना, तेरा काम नहीं है, रहन दे। वापस हम लोग। खराब लगने की बात नहीं है यार, एक औरत को मार रहा है, उसके बच्चे को मार रहा है, प्रेशर तो पड़ेगा ही ना, पुलिस से, प्रेस से। क्योंकि क्योंकि गणपत ने बोला तो ऐसा होएगा ना। तो क्या देख रहा भाई? ओपा, क्या तू मारेगा? ओपा, क्या सुन ही रहा है क्या? आ गई बॉस, मैंने कहा था ना आएगी। क्या हुआ यार? बकिया ने एक औरत को कपड़े उतार तो देखा 1 महीने पहले। इतने बड़े हो गए लेकिन ये गंदी आदत नहीं छोड़ेंगे। अभी चलना, लाइट ऑफ कर। उस दिन पहली बार मैंने विष्णु के काम में इंटरफेयर किया। थैंक यू। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे कुछ खटका। ओए होए। और मैंने कह दिया। बड़े बड़े यार।
हाँ ताई, डिब्बा बाहर ही है। ठीक है ताई। कैसा है बे? क्या है बे? याकूब मैं आता हूँ। कहाँ से? अरे यार बाथरूम दे। फिर से? अबे साले सुबह से 6 बार जा चुका है, अब क्या अपना पेट हक के बाहर निकालेगा? अरे यार क्या करूँ, कुछ दुखता नहीं दे। अबे तेरे को कितनी बार बोला है तेरे को घर का खाना हजम नहीं होता। क्या करूँ यार, इनके पास पुदीन हरा को छोड़ के कुछ भी नहीं है, मुझे पेट के लिए कुछ ताकतवर चीज चाहिए। ओ लगन, मैं आता हूँ। अबे जल्दी कर, चढ़ के मत बैठना नहीं तो गिर जाएगा। देंगे प्लीज। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है। आप बहुत हैंडसम है। क्या रे डिब्बा, कैसा है तू? मरा ही ठीक साला। गटर में डाल। साइलेंसर तो लगा ले। अबे पहले थोड़ी फाड़ने देना। पहले कौन? ये। छोड़ देना। क्या? बोलो ना छोड़ देने। लेकिन विष्णु गणपत भाव ने बोला ना। मैं जानता हूँ, लेकिन वो पुनीत भी ठीक ही कह रहा था। इनका क्या लेना देना, बिल्डर की गलती, बिल्डर मरा। पर गणपत भड़केगा विष्णु, पुनीत की उल्टी बात सुन रहा है तू। हाँ अपना क्या जाता है, उड़ाते ना इनको। बोला ना, वो पुनीत साला सही दिमाग लगाया। और तो बच्चे को मारेंगे तो पुलिस से और प्रेस से बहुत प्रेशर पड़ेगा, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। इसको तो मरना ही था। फिर से सोच ले। चल निकलना। चल सुनीता। क्या नाम बताया उसका? पुनीत, यही बोला था। विष्णु ने गणपत की बात नहीं सुनी, इस पुनीत की सुनी। गणेश तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कि गणपत बोला तो होगा, लेकिन उसने नहीं माना, बोला पुनीत कहता है तो ठीक कहता है। विष्णु के साथ ये लड़का नहीं था? नहीं ताई। वो विष्णु अपना पुराना पार्टी के साथ आया था। पुनीत को पहचाना? नहीं, पुनीत कौन है मैं नहीं पहचानता। ठीक है तू इधर आ। अच्छा ताई। ए, चुप! बंटिया, पता कर तो ये पुनीत कौन है कि विष्णु ने गणपत की बात नहीं सुनी। आगे पीछे सब पता कर। ये कौन हो सकता है जो गणपत और विष्णु के बीच आ सकता है? अंदर से लग रहा है कि अब काम बनेगा। लो कर लो बात। घर में घुस के बीवी बच्चों के सामने उड़ा दिया। बिल्डर था मतलब हफ्ते हफ्ते का चक्कर होगा। Yeah, God knows what drama went on there, huh? वो भी दिन में। पुनीत, you have a meeting in less than 10 minutes, yeah? तो क्या कर रहा है? Copy लिखी? Baseline. Alex पागल हो रहा है। ये सुनिए, तू please meeting संभालना, मैं नहीं आता, please. यार पुनीत, presentation तुझे करनी है। भाड़ में गया presentation और भाड़ में गया Alex. ढक्कन साला, इतने पैसे कमा रहा, थोड़ा काम कर लेने दे उसको, idiot. Hi Alex, we'll join you in 2 minutes. I heard that Puneet. तुम मेरा पेशेंस और ज्यादा टेस्ट करने की कोशिश मत करो। यू कम टू वर्क एवरी डे लेट, यू डू नो जॉब एट ऑल, और अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। आज प्रेजेंटेशन तुम करोगे। एलेक्स, एलेक्स, आई विल हैंडल दिस प्रेजेंटेशन। एक्चुअली पुनीत की तबीयत ठीक नहीं है। नो सुमी, पुनीत हैज टू अटेंड दिस मीटिंग टुडे। ये 10 करोड़ का बिजनेस है और हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर को अपनी सैलरी कमानी है। इज दैट क्लियर? नो एलेक्स, एलेक्स आई एम गोइंग थ्रू अ रफ टाइम। Please understand.
I can't do it today. Puneet, you have to do it. Otherwise, you know what? You are out. You get that? Stay cool, Puneet. Ye tera boss hai. Behas karke fayda nahi. Alex, I quit this job. Do you get that? Now please get out so I can collect my things. Thank you. Puneet. Ye sala pagal ho gaya hai. He's gone mad. Dekh lunga. Kisi bhi advertising agency mein kaam nahi milega isko. Pandey. So we're meeting in 10 minutes. Yeah. Puneet. क्या कर रहा है यार तू बदल रहा है सुमी पिछले कुछ दिनों में मैंने ऐसी अजीब अजीब चीजें देखा हूं कि क्या ये सब उसके सामने बिल्कुल फीका लगता है यार और ये तो अंदर से दिल करता था किया सोच क्या स्टोरी बनेगी ना Oh boy. Sumi? Yeah. Alex calling. Yeah, I'll just join him in a minute. Okay. Agni, finally message bheja hai. Oh, milna chahti hai. Kya time hi hai iska? Chalo. Phew. Chal Pandey. Get out kar de mere ko yahan se. ऑफिस से मैं सीधा अग्नि को मिलने गया प्लान किया था कि सब कुछ खत्म कर दूंगा लेकिन जब मैंने उसे देखा गॉड पुनीत मैं बिल्कुल हिल गया तुझे नौकरी से निकाल दिया गॉड शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल हाय पुनीत हाय अग्नि ऐसे बात क्यों कर रहा है मुझसे कैसी हो तुम ठीक हूं तुम हे भगवान यहां में हो क्या गया ठीक हूं बाइक कैसी है बाई गई भाड़ में बाई अच्छी है तुम्हारे बारे में पूछती है अब क्या तो बस छपट के पकड़ लेने का दिल करता है और काम कैसे चल रहा है तुम्हारा पहले तो कभी नहीं पूछा लाइफ में मैंने उसको कभी ये नहीं पूछा ठीक चल रहा है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है पुनीत कैसे बताऊं कि मैं निकाल दिया गया हूं बता कि तू नौकरी से निकाल दिया गया है मैं सोच रहा हूं शिफ्ट हो जाऊं वहां से You know, वो नैनीताल वाली बात वहां नहीं बनने वाली क्या कर रहा है पुनीत बस बहुत हो गया तू कर क्या रहा है पुनीत आ गई दरोगागिरी पे तुझे क्या फर्क पड़ता है तूने तो उसी दिन खत्म कर दिया था जो कुछ भी था अबे ढक्कन लड़ क्यों रहा है उससे पुनीत आई डोंट वांट टू फाइट अरे यार हम इतने सालों से एक साथ हैं ये सब क्या बोल रही है कांट वी जस्ट सॉर्ट दिस आउट प्लीज तू ऐसा मत कर यार आई हेट टू सी यू लाइक दिस आई लव यू पुनीत आई लव यू टू अग्नि और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता है तू रह कहाँ रहा है आजकल यहीं लोकन वाले के पास और तू बीच में मत पड़ मुझे दो दिन दे मैं घर आता हूं अब क्या कर रहा है पुनीत देख अग्नि डोंट स्टार्ट दैट अगेन मैं कह रहा हूं ना दो दिन दे मैं घर आता हूं और मैं तो कहता हूं कि सीधा नैनीताल चलते हैं एक्चुअली सच में रियली फ्लैट बेचते हो निकलते हैं शहर अब मुझे भी काटने लगा है चल तुझे घर छोड़ दूं चल तुझे कुछ दिखाती हूं क्या बोलती है यहीं शुरू हो जाए वहां से निकलते ही मैंने सोच लिया कि विष्णु को अग्नि के बारे में सब कुछ बता दूंगा अग्नि तो विष्णु को कभी नहीं समझ पाएगी तू हद से आगे बढ़ रहा है विष्णु भाऊ मैं आता हूं ना उधर राइटर की बात सुनेगा तू तू मेरी बात तू इधर आ तू मेरी बात तो सुन ये भाऊ मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है पुनीत सही तो कहता है औरत को मारेंगे बच्चे को मारेंगे तो प्रेस से पुलिस से प्रेशर पड़ेगा मुझ पे भरोसा करने के बजाय वो मुझ पे गुस्सा कर रहा है वो गणपत का दिमाग कभी ठंडा नहीं था और ना ही रहेगा अपने अक्कड़ के दम से यहां तक पहुंचा है और नरमी में तेरे से काम करवा रहा है छोड़ ना तेरा पुनीत का ना एक ही टंटा है कटले कटले हाँ ऐसे थोड़ी
तू अच्छा आदमी है विष्णु, तुझे मारने में मजा नहीं आता। छोड़ना यार। तो ये पुनीत प्रवीण का भाई है। तूने हमीर को फिर से पूछा? पूछा ताई। वो उसके घर दारू पीने जाता था, उसने उसको फोटो भी दिखाया। एडवर्टाइजिंग में काम करता है वो। उस दिन विष्णु का पूरा गैंग गया था, सलीम, कुमार, पकिया। क्या मस्त चलता है साला। ए प्रवीण भाई रुकना, अपन से कहाँ भागता है साला, मस्त दौड़ता भी है। प्रवीण भाई यहाँ पे। अरे सुनो तो विष्णु। प्रवीण काय को खबर देना था और कोई नहीं मिला तो भाव को ही पकड़ लिया। उसका तो खोपड़ी गर्म हो गया जब उसे पता लगा। तो गणपत बदल गया है, वो अब सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे तो निकलना था। तू तो निकलेगा प्रवीण, लेकिन फाइनल। और भाव के बारे में कुछ बोल मत, उसके बिना तो अपन कुछ है नहीं। और तेरे बिना कुछ नहीं है। देख विष्णु, तू क्या समझेगा, गणपत का घोड़ा। रामी खबरी साला। ओए यार नहीं, गणपत ने बोला कैसे मार रहा है। चल गाड़ी में बैठ। बैठ अंदर। ओबे अंदर घुस, घुस अंदर। अच्छा सुन, उसके बटुए में ना वो खबरी वाला पेपर डाल दे, उसमें ये भी लिख दे कि उसको मारा कैसे। ठीक, बात फैलेगी, चार लोगों को पता चलेगा, है ना। कोई भी ऐसा करने से पहले सोचेगा, है ना। चाबी दे। हाँ। अच्छा मैं भाव के पास जा रहा हूँ, तू अंदर जाके देख। और अगली बार बाहर नहीं, दिल पक्का कर, काम आसान होता है। मैं किसी प्रवीण को नहीं जानता। Get out of my house. गटले। मेरा नाम विष्णु है। तो अब साला अपने भाई का बदला लेने आया है। पर विष्णु को क्यों बचाया? पता नहीं होगा कि विष्णु ने प्रवीण को मारा है। गणपत और विष्णु दोनों को नहीं पता। पुनीत हमारा काम कर देगा ताई। अगर खोपड़ी खाली है तो बात मत कर। एक को तो बजा नहीं सका तू, ये एडवर्टाइजिंग जैसा पिल्ला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन इससे हम गणपत और विष्णु को तोड़ सकेंगे। गणपत पुनीत को मारेगा या विष्णु को बोलेगा मारने को? और पुनीत ने विष्णु को बचाया। विष्णु क्या ये खबर गणपत को बता, गणपत को बता ये खबर। आप ऊपर से तोड़ेंगे, ऊपर से। हाँ पुनीत बोल। नहीं नहीं यार, मैं अभी नहीं आ सकता, भाव से मिलने जाना मुझे। हाँ क्या बताएगा। हाँ ठीक है हाँ, सी रॉक के सामने ना, मैं आ जाऊंगा 4 बजे ना। हाँ ठीक है। तेरा ये राइटर प्रवीण का भाई है। क्या बोल रहा है भाव, क्या है ये सब। देख विष्णु, तू तो जानता कि मैं बहुत दुनिया देखेला है। ये आदमी मुझे शुरू से ही खटक रहा था। खबरी का भाई साला, कुछ चक्कर है भाव। अगर वो मुझे मारना चाहता तो बचाता क्यों, उसके बिना तो मैं यहां थोड़ा खड़ा रहता। तब मालूम नहीं था उसको ये सब, लेकिन आया तो इसी चक्कर में था। तो एक काम कर, टपका डाल उसको, उसके भाई की तरह नहीं, आराम से नहीं, समझा। ओ नहीं, मैं तेरा प्रॉब्लम समझ सकता हूं, तेरी जान बचाए ना उसने। कोई बात नहीं, ये काम मैं सुरतु से करा लूंगा। नहीं भाव,
इसको मैं ही संभाल लूंगा। पुनीत से मिलने जा रहा हूं मैं भी, वैंसर कोर्ट में, मैं बात करता हूं। लेकिन वह कुछ अजीब चक्कर है, मैं संभालूंगा ना भाव। विष्णु को टेंशन हो रहा है सर, तू अगर उससे नहीं हुआ तो तू टपका उसको। अगर विष्णु बीच में आया तो जो करना है वो कर, मुझे वो राइटर चाहिए। विष्णु मुझे तुझे कुछ बताना है, मैं वापस जाना चाहता हूं। नहीं विष्णु मेरी गर्लफ्रेंड है और वो पुलिस में है। नो वे, गर्लफ्रेंड पुलिस में, भाई खबरी, दो शूटर, मैं कॉपीराइटर कैसे बन गया? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा के फिर उड़ ना पाया। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा के फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोके अपने पर ही तो, खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अबे हट, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे,
अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे जो भी हो कल फिर आएगा। क्या गाना मिस किया यार तू, मस्त गाता है। अच्छा सुन, मुझे तुझको कुछ बताना है, टाइम है ना तेरे पास? तेरी बात से पहले मुझे कुछ निपटाने का, पकड़ से। तेरा भाई प्रवीण को मैंने उड़ाया। लेकिन देख, कुछ करने से पहले सुन ले कि मेरे से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, हम लोग रोज का उठना बैठना था, धंधे का चक्कर है। वो खबरी बन गया तो फिर उसको तो उड़ाना ही था, और ये बात उसको पता था। अभी देख, तू मेरे जान बचाए, मैं तेरे भाई को मारा, अभी तू चला गोली और खत्म करी किस्सा। चल चला गोली चला। वैसा भी होता है, तुझे तो मालूम ही नहीं कि मैंने तुझे यहां क्यों बुलाया। देख अगर मेरा भाई होता ना, देख विष्णु, देख प्रवीण ने जो काम किया ना, उसने उसकी कीमत चुकाई। और विष्णु, अगर वो कल को आर्मी में होता और लड़ाई पे मारा जाता तो मैं क्या सारे पाकिस्तानियों के पीछे बंदूक लेके घूमता? नहीं यार, ये ले और मुझे तुझसे कुछ कहना है। तू कुली चला। नहीं विष्णु, नहीं, ये ले पकड़, ये क्या है ये? तू चला गोली। लेकिन उसके पीछे जा। बाल बाल बच गया तो तू। ताई ने बुलाया तुझे, कंगू ताई, जानता है उसे? हाँ? नहीं। जल्दी चला बे। विष्णु सब मेरा काम नहीं है, सुरतु ने बोला, और सुरतु ने बोला भाव ने बोला। तू पुनीत है, बैठ। मेरा बेटा होता ना तेरे जैसा होता, कैसे मिल गया इन कुत्तों के साथ जाकर? हां वो साला गणपत तो अपने बाप का भी सगा नहीं है। जाफर भाई के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकता था कुत्ता, उनके मरते ही उनकी गद्दी पर कब्जा कर लिया। जहां मुझे होना चाहिए था वहां खुद बैठ गया, हरामजादा कमीना कहीं का। हरफ तू घबरा गया? क्यों घबराता है तू? गंगूताई है ना, है गंगूताई। तू तो हीरो है हीरो, तू फिक्र मत कर ना।
ज्योतिष को मानता है तू? ज्योतिष? मेरे ज्योतिष ने बोला इस महीने गणपत खत्म, नहीं रहेगा गणपत, नहीं रहेगा इस महीने। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अच्छा जा जा, तू खाना खा ले, जा बेटा जा। ए उंगली, लेके जा इसको, और देख कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जा ले जा, जा खाना खा ले। फोन नीचे रख, दिखा दो जरा। अच्छा, अरे अच्छा बचता है, पर इसे इधर इस्तेमाल नहीं करने का, ठीक है? ठीक 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 ताई। ताई नहीं, माँ बोल, माँ बोल, माँ। जा जा खाना खा ले, जा उंगली। बंटिया, गणपत को खबर भिजवा दे कि पुनीत इधर है, हमारे साथ आ गया, मेरे को मां बुलाता है। तू हद से आगे बढ़ रहा है विष्णु। देख, जब तू छोटा था ना, तब से मैंने तुझे पाला पोसा, सबको सिखाया। मेरे जाने के बाद ये सारा कारोबार तेरा होने वाला है, तुझे मायल है। तू मेरे को बोलता है कल का आया हुआ राइटर मुझसे बड़ा है? मैंने ये नहीं कहा भाऊ, सिर्फ इतना कहा कि उसने मेरा जान बचाया और वो मुझे मार नहीं रहा था, घोड़ा मुझे वापस दे रहा था। जब सुरतु ने घोड़ा चलाया, गोली मैंने नहीं चलाई। अरे गोली चलाने की बात कौन कर रहा है? सुरतु ने पहले गोली चलाई भाऊ। मैंने उसे भेजा था तुझे बचाने के लिए, वो गर्म दिमाग है, गया। देख विष्णु, देख जो हुआ सो हुआ, अपना ये चक्कर बहुत पुराना है, मतलब तेरा मेरा, और ये वो तेरा राइटर नहीं समझ रहा और समझेगा भी नहीं। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले तू, किसी किराए के टट्टू की वजह से अपनी गैंग गिरने वाली नहीं है, समझा? क्या सुन ले भाऊ। हेलो, हाँ बोल जल्दी बोल। देख, तेरा वो राइटर गंगू से जाके मिल गया। कुछ चक्कर गड़बड़ भाव। देख विष्णु, तू आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, आइए जरा बैठ 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 रे, जरा सोच हम कहां थे और कहां आ गए। ये राइडर को लेके किस किस से झगड़ा करने वाला है तू? मैंने तुझे बोला था उसको टपका डाल, अभी तक बात समझ में नहीं आई तेरे? तू भी सोच ले भाऊ, वो किराए के टट्टू का दिमाग बहुत तेज है। तू फिलहाल एक काम कर, लोनावला जा, वहां पे अपना एक कंसलमेंट आया हुआ लेके आओ, जा बाद में देखते हैं किसको क्या दिमाग है और क्या आकल। जा I don't care. I want results within 24 hours. Understand? And arrest. कल किसी भी हालत में अरेस्ट की न्यूज अखबार में छपनी चाहिए। सर, जल्दी करेंगे तो गड़बड़ होगी। इस तरह कोई भी अफसर यह काम लेना नहीं चाहेगा, आगे उसकी फाइल में नाकामयाबी का दाग लग जाएगा और फिर आप ही निकालेंगे उसे। नहीं होगा तो भी नाकामयाबी का दाग लगेगा ही, और कोई ना कोई तो निकलेगा ही, समझे? ये केस अग्निसेना को देते हैं। क्या वो पागल औरत? वो तो दो तीन को और लड़का देगी। वो खुशी खुशी कल तक कोई केस फ्रेम करके किसी न किसी को अंदर कर देगी, और फिर गड़बड़ होगी तो फिर हम सेना को निकाल सकेंगे। गुड। ए साला, ये देख
सिंगर कैलाश और फॉरेन टूरिस्ट गैंग शूटआउट में मारे गए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। Yeah, true. I read that bit. It's sad, huh? It's gonna kill tourism in India. I don't know what's happening to this city. अभी देख साला, यहाँ पर लिखा है कि कैलाश और फॉरेन टूरिस्ट गलती से शूटआउट में मारे गए। क्यों? साला कुछ भी हो सकता है ना? ये भी तो हो सकता है कि ये जो साला कैलाश था, इसका चक्कर इस फॉरेन टूरिस्ट के साथ चल रहा था। और ये साली जो फॉरेन टूरिस्ट थी, ये गणपत गोदी जैसे किसी गैंगस्टर की साली रखेल थी, इसीलिए साला दोनों को उड़ा डाला। अभी नसीब में जो होगा वो तो होगा ही ना। हेलो, कौन सलीम? पुनीत बोल रहा हूं। अच्छा विष्णु कैसा है? वेरी गुड, वेरी गुड। लोनावला गया, वही मैं बोलूं, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? दो दिन बाद आ रहा है। अरे तू मानेगा नहीं मैं कहा हूं। देखो मालूम है, सबको मालूम है, छुट्टी पे गया हूं मैं, कब आएगा? नहीं नहीं, ख्याल रख रहे हैं लोग मेरा। अरे अच्छा सुन, मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, मुझे जाना है, ठीक है? मैं बाद में फोन करूंगा। ओके बाय। कैसे निकलूं यहां से? विष्णु को मिलना है, समझाना है। सोच पुनीत, ख्याल सोच, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। गंगू जी, शराब मैम, नहीं ताई, ताई नहीं यार, माँ बोला था। हाँ माँ, माँ, ओ गॉड, माँ मुझे लोनावला जाना है। पुनीत भी कैश हो, माँ मुझे लोनावला जाना है। चल चल तो। माँ मैं लोनावला जाना चाहता हूँ। माँ 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 जी। ताई कैसा है तू? ठीक हूँ ताई, मुझे लोनावला जाना है। मैं बोली ना तेरे को ताई नहीं बुलाने का, माँ बुला। माँ क्यों जाना है? वो एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर्स का कॉन्फ्रेंस है, एंड आई हैव टू बी देयर। अंग्रेजी मत झाड़, समझती नहीं मैं? मैं बस इतना समझती तेरी जान को खतरा है, गणपत के लोग पीछे पड़े हैं तेरे। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, मुझे वहां एक स्पीच देनी है। माँ माँ बोला, बिंगो, स्पीच सुना है? अरे ताई माँ आप मजाक कर रहे हैं, मैं दो दिन में आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। मजाक नहीं करती मैं, स्पीच सुना। माँ की आंख, बैंड बजा दी इसने, क्या करेगा पुनीत सयाल? बड़ा चला था स्पीच देने, गधा। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पुनीत सयाल एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। I've got these weirdos sitting behind me who would love to beat the shit out of me. And of course, I have this Tyson lookalike godmom who won't think twice before slitting my neck. Isn't that wonderful? You know, when they said advertising was going to be a roller coaster ride, I had no clue. And neither did they. So my advice to all the copywriters is that if you see a man shot and bleeding to death, do not help. Just don't. Just do exactly what a good copywriter would do. Pack your bags and leave. And always wear sunglasses to avoid ultraviolet rays and eye contact. Wo chashme ka conference hai, ma. Very good. क्या बोलता है रे तू? मस्त बोलता है, जा तू जा, जाके बोल, यही बोलना। बंटिया इसके साथ भेज दो किसी को। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, गणपत के लोग तेरे पीछे पड़े हैं, जा ऊपर तू जा। ए बंटिया भेज इसको किसी के साथ। बंटिया कैसी लगी स्पीच? हाँ नाटक है साला, ताई ध्यान रख, सीधा नहीं है ये। डू समथिंग सिना,
टाइम निकला जा रहा है और तुम यहां पर बैठी हो। कोई केस फाइल करो तो कोई काम बने। सेना, सेना, अगर आप मुझे करने दें तो सर, अगर आप यहीं खड़े रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कमिश्नर ने मुझसे कहा था कि प्लीज एक्सक्यूज मी। चलिए। क्या डिसाइड किया मिस मेहता? आप मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रही हैं। प्लीज ना जी, ये लोग मेरे परिवार को उड़ा देंगे अगर मैंने ये कंप्लेंट फाइल किया तो। मत साइन कीजिए। आप बड़े बेरहम इंसान हैं। नहीं, मैं आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल रही हूँ और ना ही आपसे अपने बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ। आई एम मेकिंग एन ऑफर, आप ना भी कर सकते हैं। लाइए पेपर दीजिए। कृष्णमूर्ति अरेस्ट टीम पेन क्लोज में होनी चाहिए। तीन अंदर जाएंगे, बाकी बाहर रहेंगे। हाँ, पैरों की चेन ले चलो। पैर बांधो। पैर कायकू? मैं क्या पागल कुत्ती हूं जो पैर बांध रही है तू? चुप कर, नहीं तो मुंह भी बांध दूंगी। बहुत दम है ना गंगा, उठ। उठने तो हंसेंगे ये लोग, कमजोर हो गई है गंगू। उठ। साली एक गोली चलाए बिना ताई को उठा कर ले गई। गणपत तो हंस हंस के मर जाएगा। एक भी गोली नहीं चली और गंगूबाई चली गई अंदर चूहे के माफिक। तो पार्टी तो बनती है। तभी तो आए ना यार। ए दुजा ले यार, आइटम कब शुरू होने वाला? आओ आ जाओ, आ भी जाओ सनम। आओ आ जाओ, आ भी जाओ सनम। जाओ आ भी जाओ सनम, मुझको प्यार सिखाओ सनम। ये जिस्म तो हर जिस्म सा बस जिस्म है, ये जिस्म तो हर जिस्म सा बस जिस्म है। दिल को छूकर दिखाओ सनम, आओ आ जाओ आ भी जाओ सनम। सिखाओ सनम, सिखाओ सनम। ये जिस्म तो हर जिस्म सा बस जिस्म है, ये जिस्म तो हर जिस्म सा बस जिस्म है। दिल को छूकर दिखाओ सनम, आओ आ जाओ आ भी जाओ सनम। आओ आ जाओ।
तेरा लौंडा मेरे पास है। कल सुबह 12 बजे तक टाइम छूट जानी चाहिए वरना शांति। रोज किसका प्यार बिक रहा है, रोज किसकी जान बिक रही है, ये बाजार है जहान सारा। मुस्कुराहटें हुई है महंगी, आंसुओं का दाम ही नहीं है, मुफ्त मिल रहा है इश्क यारा। एक दे कहो क्या होगा यहाँ पे, कहो इस दे कहो, दिल दे सको तो खरीदो मुझे, ले जाओ सनम ले जाओ सनम। ये जिस्म तो हर जिस्म सा बस जिस्म है, ये जिस्म तो हर जिस्म सा बस जिस्म है, दिल को छूकर दिखाओ सनम, आओ आ जाओ आ भी जाओ सनम, आओ आ जाओ आ भी जाओ सनम, जाओ आ भी जाओ सनम, आओ आ जाओ आ भी जाओ सनम। चलिए ला घोड़ा ला, बंटिया घोड़ा दे। बंटिया देख देख, इधर इधर मुझे उस अग्नि सिन्हा का सर चाहिए, मैं हिलूंगी नहीं तब तक। ताई भी पुलिस से पंगा मत ले, अभी बहुत टेंशन है। ठीक कह रहा ताई, तूने देखा देखा था ना उसने क्या किया था। बंटिया बंटिया मुझे उसका सर चाहिए बस। मिलेगा ताई, मैं ला के दूंगा। बंटिया भाई को समझाना। ए सुनील, क्या खुसर फुसर कर रहा है तू, जरा भेजा उड़ा दूंगी ज्यादा बोला तो। अबे चलना। अग्नि सिन्हा गंगू से टकराएगी तू। बंटिया मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है यार। तो तू जाके समझाएगा ताई को, जा ना, जा समझा। सलाम सब तो गए यार। क्या बोला, फट रही है क्या, जा ना राशन की दुकान में बोरिया उठा जा। अबे टाटा मानी तो है नहीं, धंधा है। ए चंदू, ए चंदू आजा, मशीन निकाल आधे घंटे में निकलने का, चल जल्दी कर। ए गाड़ी में डीजल डाल, चल। तुम जाओ। जल्दी कर, चल ये बड़ा दे, बड़ा इसको बैठा अंदर, चल।
बंटिया देख तो अग्नि सिन्हा गंगू को उठाएगी तू? हाँ गंगू को उठाएगी, पैरों में ताले डालेगी। रांट, अब मैं दिखाती हूं कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। डरती नहीं ना तू, है ना? डरती नहीं ना? पता है मैं तुझे मारूंगी नहीं ना। ये खड़े हैं ना तेरे सामने, ये सब तुझे तड़पाएंगे एक के बाद एक। हाँ सब तड़पाएंगे तुझे। अग्नि यहाँ? गंगा चौहान का ये तो गई। मान करेगी तू? ये औरत उसे मार डालेगी। पुनीत कुछ कर, पुनीत सोच सोच कुछ कर। टुकड़े टुकड़े करूंगी मैं तेरे, टुकड़े टुकड़े करूंगी। माँ, माँ ये तू क्या कर रही है? माँ ये तेरी बहू है क्या? देख तू मुझे बेटा कहती है ना, हाँ और मैं भी तुझे माँ कहता हूँ। और ये जिसकी तू जान लेने वाली इससे मेरी शादी होनी माँ, और मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। देख देख माँ, माँ तू मुझे बेटा समझती है ना, हाँ बेटा कहती है ना, तो सुन मेरी बात गौर से सुन माँ। देख मेरी बात गौर से सुन, ये पुलिस वाली इसको मारेगी तो पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे आ जाएगी, हम सब मारे जाएंगे माँ। ये सब भी तो तेरे बेटे हैं ना, ये बंटिया, उंगली, चंदू, ये एक पुलिस वाली के लिए हम सबके जाने जाएंगे माँ। राहु काल भी चल रहा है, हाँ राहु काल चल रहा है। तू ज्योतिष में तो मानती है ना माँ, हाँ इसकी जरूरत नहीं है अभी। तू सोच माँ, इसको मारेगी तो सारे मारे जाएंगे यहाँ पे, और राहु काल भी है। चुप चुप, सोचने दे मुझे, सोचने दे। तू सोच, देख सोचना अच्छा है, रेडियो में तो अनाउंस कर दिया है कि ना इसको किडनैप कर लिया है, अब तो टीवी वाले भी दिखा देंगे। ए, लेके जा इसको, लेके जा, सोचना है मुझे। माँ तू ध्यान से सोचा, और ये बंटिया भी यही कह रहा था, तुम लोग को समझाते क्यों नहीं, अजीब लोग हैं, किसी को कुछ फिक्र ही नहीं मेरी माँ की। ए, जा तू, तू भी जा। हाँ सोचने दे मुझे। देख माँ ठंडे दिमाग से सोच, गुस्से से गड़बड़ हो जाएगी। हाँ और राहु काल भी चलो। तू ध्यान, मैं जाता हूं। चल, अरे चलना। छोड़ मुझे, छोड़। किक में होना शिनबो ने पुनीत लागू जैसा। पहले तू मुझे बता, तू यहां क्या कर रहा है? खुले था मुझे बता, तू यहां गाड़ी सुनने के लिए यही टाइम मिला क्या? तू कैसे जान पुनीत, तू गंगू को कैसे जानता है पुनीत? अरे मैं किसी को नहीं जानता, पहले यहां से निकलते बाद में बात करेंगे। चल हां चल चल चल। तू यहां क्या कर रहा है पुनीत? पुनीत आई डोंट केयर, मुझे समझ नहीं आ रहा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू कर क्या रहा है? वो तेरी माँ है? हाँ और गणपत मेरा बाप है। पागल हो गई तू? अरे इसने उठाया है मुझे और ये चाहती है गणपत को मारना, और गणपत समझता है कि विष्णु मेरा दोस्त है। चल यहाँ से। गणपत, गोदी, विष्णु, गंगा, तू इन सबको कैसे जानता है? पुनीत तू कर क्या रहा है, मुझे सच सच बता दे प्लीज। सुन ये औरत पागल है, गोली मारेगी हम दोनों मर जाएंगे। चल यहाँ से। नहीं पुनीत, आई डोंट अंडरस्टैंड, पुनीत प्लीज जस्ट लिसन, चल के आराम से बात कर, प्लीज मुझे सच सच बता दे। साला इन लोग भी अपना घर लॉक रखते हैं। पुनीत प्लीज, एक काम करता हूँ, दो कुर्सियां लगाता हूँ, गंगू को बोलता हूँ चाय भेजने के लिए। चल इधर, इधर पुनीत प्लीज। चलो बस, पुलिस वाले का काम नहीं छोड़ेगी। पुनीत व्हाट्स गोइंग ऑन पुनीत, चल गेट आउट इडियट। तू इनको कैसे जानता है? तू मेरी बात सुन, अभी थोड़ी देर में गंगू की आवाज आएगी। ओह शिट, अगर तू निकल 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 यहां से। पुनीत तू संभाल, मैं आती हूं। रुकिए, बंटिया वो दोनों भागे, पुनीत ने साला धोखा दिया। ए बंटिया वो दोनों गेट टॉप के गए, वो सिन्हा और पुनीत। अच्छा सबको गेट पे बुला और सीमेंट की बोरी निकाल। वो सीमेंट की बोरी चला गया रे।
कहा? वो मंडल के घर पर जरूरत था, वो कल तक आएगा। अबे ढक्कन, कल तक पुलिस इंतजार करेगी इसका। अच्छा ठीक है, गेट पे चेन लगा, मशीन निकाल और सब दारू पिला, लेकिन ज्यादा नहीं। अबे आना, इधर ही बैठते हैं। ये जगह मेरी थी बैठने के लिए। शिट। दारू काहे को पिलाया? दम मिलेगा ना, देना बोतल। ये पुनीत के चक्कर में ना हम सब मरेंगे साला। मैंने क्या बोला था बंटिया को, उड़ा देते हैं साले को। ये रुई कहाँ मिलेगा यार? रुई? हाँ रुई। पता नहीं क्यों। अभी क्या ना, पुलिस आएगी, गोली चलेगी ना तो आवाज आती है, साला कान फटता है बहुत जोर से, रुई से रुकता है। ये जगह मिली तुझे अपनी राम कहानी सुनाने के लिए? चल गेट के पास जाना, बांटिया ने बोला। अबे छोड़ना, अभी यहीं गाड़ी पे आराम है। अम्मा तू जा यार, वो ठीक कह रहा है। क्या क्या है? भाव भाव, तुम्हें कितनी बार बोला है पूजा के एक घंटे बाद तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। भाव ये अपना तलवार है, कह रहा है कि पैसे तैयार हैं। हाँ तलवार पूरा है ना, 10 का 10 खोखा। हाँ तो भेज दे। हाँ हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। चलो ये तो आ गया। जरा विष्णु को फोन मिला। हेलो विष्णु। हाँ एक मिनट भाऊ। विष्णु हाँ कहाँ है तू, उधर क्या कर रहा है? अच्छा सुन, मैं उधर आ रहा हूँ, अपने को चेंबूर जाना है, तू तैयार हो जा, समझे? क्या है जो भी बाद में बोलना है? प्रोड्यूसर का फोन है, कह रहा है कि हीरोइन आ गई है। क्या छपर फट गया? हेलो हाँ बोल बोल बोल, वो आ गई क्या? कहाँ पे? हाँ वो नरिमन पॉइंट के पास, वही ना? हाँ जानता हूँ। अब तू एक काम कर, तू टाइम फिक्स कर दे। क्या अभी? अब हाँ नहीं मैं आता हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। अंदर चली गई। हाँ हाँ अच्छा सुन, उसको बोल वहां वेट करे, मैं आ रहा हूँ। अरे हाँ बाबा हाँ, अब यहाँ से निर्माण पॉइंट पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ही ना। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ हेलो अब भाव पैसा तू विष्णु को। विष्णु देख मैं एक जरूरी काम से दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो एक काम कर, वो तलवार पैसा दे रहा है उसके पास जा और पैसे उठा, लेकिन ध्यान रखना तलवार पुराना खिलाड़ी है भाव, वो क्यों दगा देगा? विष्णु देख तलवार है, पैसे गिन के लेना। संभालूंगा मैं। भाव तेरे साथ कौन जा रहा है? अबे लीला जा रहा हूँ, वहां गंगू थोड़ी ना मेरा इंतजार कर रही होगी। गिरीश को बोल गाड़ी निकलने को, मैं अभी आया। ठीक है भाव। भाव तू भाव नहीं रहा। Thank you.
मुनी तू कहाँ है? बाहर गाड़ी की डिक्की में हूँ मैं। कहाँ? अरे गाड़ी की डिक्की जो गाड़ी के पीछे होती है। कैसी गाड़ी? व्हाइट एम्बी। फोन रख दे नीचे वरना तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा। बंटिया मार साली को। बंटिया नहीं ताई, यही तो हमें बाहर लेके जाएगी। चल चल साली। चल पुनी तेरा करोड़ तो नहीं लेकिन तेरे बैग में 10 करोड़ जरूर आएगा। सारा सोया होगा लेट लतीफ गंगू की हवेली में। कोई हिलेगा नहीं, नहीं तो आंटी गई। चल आंटी बैठ। चल अग्नि सिन्हा। हाँ शालू। अरे विष्णु क्या सुबह सुबह फोन करता है, 5 बजे तक जागी थी मैं। सुन तू कहती है ना कटले कटले, तो सोचा कि निकलने का टाइम आ गया। कुछ पैसे वो पूरी ठीक ही कहता था यार, यहाँ से निकलते। विष्णु वो गणपत वो भाव भाव नहीं रहा, वो अपना सोचता तो मैं क्यों नहीं। तो मैं आऊं उधर क्या? नहीं नहीं सुन तू इधर मत आ। क्या देख रही है, चलना साली निकल। नहीं इधर तू ऊपर आता, मैं तेरे साथ नीचे नहीं जा सकती। सुन तो फिर कहाँ? वो मरीन ड्राइव में वो याद है ना? वो हाँ ठीक है। हाँ, मैं कपड़े वपड़े। नहीं नहीं कपड़े शपड़े रहन दे, कह रहा हूँ पैसे आए हुए हैं। चल ठीक है चल चल भाव, लाइन तोड़ने का टाइम आ गया है। और यहाँ यहीं पे उड़ा दे क्या इसको? नहीं ताई, यही तो अपना ट्रम्प कार्ड है। हाँ बोल। बंटिया मैं दारा बोल रहा हूँ, दारा। मानोगे नहीं मैंने अभी क्या देखा। देख मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, फालतू बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में फोन कर। अरे मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने गणपत को अकेले होटल में घुसते हुए देखा। गणपत होटल में अकेला गया तो मैं क्या करूं? बोलो ना बाद में फोन कर, बहुत टेंशन है तेरे अभी। ए बंटिया फोन इधर दे मेरे को, इधर दे बोली ना। हाँ दारा बोल। गंगू ताई आप कैसी हैं? ए फालतू की बात मत कर, गणपत के बारे में बता मेरे को। मैंने अभी अभी गणपत को होटल में घुसते हुए देखा, अकेला इस वक्त वो। दारू तो नहीं पिया ना तू? माँ कसम मैंने बिल्कुल दारू नहीं पी। माँ जिंदा है? जिंदा है। हाँ, जिंदा है। देख उसके साथ कोई हुआ ना तू गया समझ। अरे ताई ताई बंटिया गाड़ी घुमा। छोड़ना ताई अब निकलते ना यहाँ से। बंटिया ओह शिट कहाँ गिर गया? पुनीत शायद इसी गाड़ी की डिक्की में, उसका सेल फोन बजेगा और ये गाना डालेगी। चले कुलना काटे पे आला है पुन। महिमा जी गणपत गोदी नाम है अपना। हेलो। नमस्ते। नमस्ते आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। hey, महिमा come on, we're getting late. मैं जरा जल्दी में हूँ, हमारी मीटिंग है ना आज। समीर excuse me. ये सलमान गणपत गोदी नाम है अपना, समझे? जान पे रहे तो वटले यहाँ से। देख दरवाजा भी बंद हो रहा है, समझे? आप लिफ्ट क्यों बंद कर रहे हैं? गुप्ता जी ने कुछ बताया नहीं क्या हमारी मीटिंग के बारे में? ए बंटिया ये अभी बजना होता क्या तुझे? ये पुनीत वाला फोन कहाँ बजा रहे? सीट पे देख ताई, सीट पे, सीट पे फोन बज रहा है। यहाँ तो नहीं है। डिक्की डिक्की देख ताई। चल चल मार गोली मार गोली। तू मार गोली ताई। अरे पागल है क्या, इस पे से घोड़ा हटाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तू मार गोली। अरे मैं गाड़ी चलाऊं या घोड़ा? बंद हो जान तो गोलियां चलेगी। क्या ताई
ए लड़की सीधी बैठी वरना गोली खून उतार दूंगी तेरी। गुप्ता जी ने कुछ बताया नहीं क्या हमारी मीटिंग के बारे में? देखिए मैं किसी गुप्ता उप्ता को नहीं जानती, प्लीज मुझे बहुत देर हो रही है, लेट मी गो। आप तो बदतमीजी पे उतर आए, आप हटिए प्लीज। ए, आवाज नहीं चढ़ाने का समझी ना, 1.5 करोड़ रुपया दिया तेरे प्रोड्यूसर को, कितना? 1.5 करोड़। आप देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज, आप कणपत गोदी जो इस शहर में चाहता है ना वो उसे मिल जाता है, समझे? गणपत गोदी नाम है मेरा, चल वटले। आपको तंग कर रहा है मैडम, प्लीज 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 हेल्प मी। महिमा जी नीड्स हेल्प, अपनी तो ट्रिप जबरदस्ती मेरी लिफ्ट में घुसा है, निकलने नहीं दे रहे, प्लीज हेल्प मी। एक शर्त पर। गणपत कौर कस के पकड़। हाँ टॉमी तू थोड़ा अंदर आ। जानता नहीं। चल रेडी। मैं कौन हूँ? थैंक यू सो मच गुरी, यू आर सो स्वीट। मैं गणपत गोदी नाम है मेरा। हाय मेरी तो डेथ ही हो गई। टू द बासपुर बॉयज, लव महिमा। पुनीत, तू ठीक है ना? चला जा। और आप आई ओके? यू ओके ना? विष्णु, विष्णु, विष्णु ये क्या हो गया यार? विष्णु, पुनीत, बचा लिया तूने मेरे को? पुनीत, तू मेरा बैग भी लाया यार? इसको संभाल के रख यार, है ना? इसको संभाल के रख और तू उधर से भाग, कट ले यार, इसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये अग्नि है मेरी होने वाली बीवी, वो बैंड स्टैंड बुलाया था ना तुझे, इसी के बारे में बताना था। विष्णु, ओ देख एक्सीडेंट हो। ओए नहीं, लाशें पड़ी हैं यार। मुंबे अपना बाजपुर जैसा ही है। मुंबे नहीं टॉमी, मुंबई। ओए चल यार, बहुत छेती चलो। और फिर मैं पुनीत सयाल, एक्स कॉपीराइटर, अग्नि को लेके सीधा एयरपोर्ट गया नैनीताल। शर्ट तो बदल ले, गंदी हो गई है, फट गई है। भाड़ में गए शहर और भाड़ में गए 1 करोड़, वहां जाके कुछ न कुछ कर लूंगा।
अब सिर्फ गणपत बचा। प्यार का जादू मंत्र जब गुजार जिगर के अंदर, नजरों का हरा समंदर कर देता है मस्ती गलंदर। ये लो, हो गया काम तमाम। दोनों गणपत और गंगूताई के गैंग खत्म हो गए। बीच टाउन में शूटिंग चली। ये तो अच्छा था संडे था, नहीं तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। Yeah, you're right. This one's a bit spicy, eh? You read this thing. Ganglord Ganpat Godi disappears. कह रहा है गणपत गोदी गायब हो गया। अरे देखा होगा कि टाइम आ रहा है, अभी कहीं थाईलैंड या मलेशिया में बैठा होगा करोड़पति के जैसे, क्या पता। Or it could be dead under his bed. कह रहा है शायद कहीं मरा पड़ा होगा। नहीं नहीं, गणपत जैसे आदमी को कुछ नहीं हो सकता है सिवाय पुलिस के, और क्या हो सकता है। जल्दी कर, तेरे पास मेहनत कर रहा है। खैर ना, पजामा निकाल कर ला इसका पजामा। मीमा जी ने थैंक यू कहा। हाय मीमा, तुम लोग जानते नहीं हो अब कौन है। बॉम्बे का डॉन गणपत। छोटी कहानी जब राजा से मिलती है रानी, खामोश हो आलम सारा जब प्रेम डंक ये मारा। जहर ये हल्का हल्का नजर से छलका छलका, जहर ये हल्का हल्का नजर से छलका छलका, ये प्रेम डंक, 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 ये प्रेम डंक। की नाली में एक छोटा सा सुअर भागे, क्या